जवानी वाले दौर में लौटे विराट कोहली, सूर्या की सुनामी में नीदरलैंड की हवा खराब। विराट सूर्या की जोड़ी भारत को दिलाएगी विश्व कप, कार्तिक का संन्यास वाला इशारा। जीत के बाद उठे गंभीर सवाल, भारत का एक ही खिलाड़ी नहीं लाना चाहता कप, क्या दिनेश कार्तिक का ये आखिरी विश्व कप होगा? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से खुद डीके संन्यास के बारे में सोच रहे हैं? मैच में उनका इशारा साफ साफ समझा जा सकता है कि अब वक्त आ गया है कि अब वो क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, लेकिन क्यों? हम बताएं उससे पहले आपको दिखाते हैं मैच में हुआ क्या। विराट कोहली ने फिर साबित कर दिया कि आज भी टीम इंडिया का बोझ उनके कंधे पर है। जब जब उनका बल्ला चला तब तब टीम का कभी कंधा नहीं झुका। विराट कोहली का फॉर्म वापस आ चुका है। भारत का मध्यक्रम किसी भी टीम से सबसे शानदार हो चुका है। केएल राहुल को चलना नहीं है, अगर रोहित भी नहीं चलते हैं तो सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के साथ हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक मैच अपने दम पर जिता देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी आउट होने वाले रोहित शर्मा ने आज 39 गेंदों में 53 रन बनाए, 3 छक्के लगाकर एक शानदार शुरुआत की। हालांकि केएल राहुल से आपको कोई उम्मीद नहीं होगी क्योंकि वो फिर से आउट होकर जल्दी चले गए और सिर्फ 9 रन ही बना पाए। हालांकि फिर मैदान पर आए विराट कोहली और छा गए। स्लो शुरुआत के बाद ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 62 रन बना डाले और फिर वो वाला एक छक्का मारा जिससे पूरा पाकिस्तान आज भी सदमे में है। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो ना तो विराट की तरह खेलता है ना ही डिविलियर्स उसकी तरह खेल पाएंगे। नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जब मैदान पर आए उस वक्त लग रहा था भारत 150 रन से ज्यादा नहीं बना पाएगी, लेकिन सूर्या ने 25 गेंदों में ही 51 रन की शानदार पारी खेल नीदरलैंड का पूरा खेल बिगाड़ दिया। 20 ओवर में टीम इंडिया ने 189 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड के 9 बल्लेबाज 20 ओवर में 123 रन ही बना सके। गेंदबाजों की वापसी से भी टीम की उम्मीद बढ़ती जा रही है, लेकिन विराट कोहली की ये वाली पारी देखकर दिग्गजों का कहना है कि वो अपने पुराने अवतार में आ चुके हैं। जहां विराट को आउट करना मुश्किल होता है, अभी विश्व कप के कई मैच बचे हैं, वहां विराट का काम बाकी है। सुपर 12 में मैच साफ हो चुका है। टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एक टीम होगी, लेकिन वहां से फाइनल तक पहुंचना और वो जीतने के लिए केएल राहुल का रिप्लेसमेंट देखना होगा। राहुल रोहित के आउट होते ही अगर विराट भी आउट हो गए तो मैच भारत नहीं जीत पाएगा। हालांकि दिनेश कार्तिक की बढ़ती उम्र ने संकेत दिया है कि शायद उनका आखिरी विश्व कप हो, क्योंकि स्टंप के पीछे 2 बार कार्तिक स्टंपिंग से चूक गए। दिग्गज मानते हैं कि लगातार क्रिकेट न खेलने से आंख विकेट के पीछे नहीं जम पाती है। हालांकि बतौर फिनिशर डीके से बड़ा कोई बल्लेबाज किसी टीम के पास नहीं है, लेकिन विकेट कीपर के तौर पर कार्तिक खुद टीम के साथ खेलेंगे ऐसा लगता नहीं है। अपने जमाने की शानदार विकेट कीपर रहे कार्तिक भी मानते हैं कि अब वो बात नहीं रही है। तो साफ इशारा समझा जा सकता है कि ये कार्तिक का आखिरी विश्व कप होगा और कार्तिक जैसे प्लेयर की विदाई जीत के साथ होनी चाहिए। साल 2011 की वनडे विश्व कप में आयरलैंड की टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को हराया था। इस बार T20 विश्व कप के मुकाबले में फिर से आयरलैंड की टीम ने वही कमाल कर दिखाया है। भारत ने 2011 का खिताब जीता था और संयोग ही बन रहे हैं कि भारत इस बार भी इस ट्रॉफी को अपने नाम कर सकता है। रोहित के बल्ले से रन निकले और विराट ने पारी संभाली तो भारतीय टीम किसी को भी हरा सकती है। सूर्या जैसे बल्लेबाज किसी टीम के पास नहीं है, ना ही पांड्या जैसा ऑलराउंडर सभी टीम के पास है। भारत की सबसे कमजोर कड़ी भुवनेश्वर कुमार सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। शमी को जिस उम्मीद के साथ टीम में शामिल किया गया अभी उसका असर नहीं दिखा है। भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया और फिर नीदरलैंड के बल्लेबाजों के लिए तो भुवी के ओवर में रन बनाना पहाड़ तोड़ने जैसा लग रहा था।